तो गाइस ये देखो, ये होता है लिस्ट, और इन्होंने ये ऐसे डिजाइन से काटा हुआ है कि ये सारा का सारा इसके अंदर निकलेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है, आज मैं और अंकित जा रहे हैं भाई चमड़खान मंदिर। हमारे यहाँ पे चमड़खान का कोई लिप्ता मंदिर है, तो सिर्फ मैं और अंकित जा रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट से। यार तैयार तो हो गए। तो भाई मंदिर पहुँच गए, और क्या कहते हैं, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे वो ले रहे हैं पूजा की थाली, जिसमें मतलब बतासे दिया वगैरह होगा वो चढ़ाने के लिए ऊपर, तो वो ले रहे हैं। तो पूजा की थाली गाइस ले लिया, वो चल रहे हैं ऊपर मंदिर को। तो ये देखो कितनी सारी घंटियाँ लगी पड़ी हैं यहाँ पे, हैं वो खोलने ही नहीं, बंद नहीं होगा, बंद क्यों होगा। चल चल, जय गोयल देवता की। तो ये एंट्री कर ली गाइस। तो सबसे पहले यार हम हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे मंदिर के। आ रहा पानी? आ रहा। तो गाइस पूजा वगैरह हमने पहले कर ली अच्छे से, हमने कहा पहले पूजा कर लेते हैं देन उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो पूजा वगैरह करके आ गए। तो अब देखो गाइस, ये है हमारे यहाँ का मतलब फेमस मंदिर है उत्तराखंड में, काफ़ी चमड़खानी गोयल देवता का मंदिर है ये। तो यहाँ से अब व्यू देखो गाइस, ये देखो मतलब क्या लोकेशन पे, और यहाँ पे हवा चलती है काफ़ी क्योंकि ऊंचाई पे है ना। तो ये देखो कितना खुला एरिया है, और ऐसा है, ये देखो नीचे है मंदिर तो पूरा तेरा। ओहो इतना मतलब प्यारा लग रहा है मंदिर में आके ना, मतलब शांति मिलती है। ये कवर कर रखा है बिकॉज ना बंदर आ जाते हैं कहीं, तो इसकी वजह से अंदर बंदर ना घुस जाए, पूरा कवर कर रखा है। तब भी यहाँ नीचे से ना गेट है, उधर से घुस ही जा रहे हैं तब भी, चंट होते ना बंदर भाई, और फ्रूट वगैरह भी रहते तो इस चक्कर में वो आ जाते हैं। तो भाई अभी आ रखे खाना खाने के लिए, भाई अंकित तो लपेट रहा है ये समोसे और छोले, पहाड़ों में मिलते हैं ऐसे, दिल्ली में तो नहीं मिलते बट मेरे को अच्छे नहीं लगते, ये खा रहा है। चाउमीन बोल रखी है देने के लिए, तो अभी चाउमीन आने वाली, चाउमीन खाएंगे भाई, भूख लग रही है, खाली पेट आ रखे थे मंदिर आ रखे थे, तो खाना खाते फिर निकलते हैं। तो गाइस आ गई भाई अपनी चाउमीन भी, तो खाना स्टार्ट करते हैं भाई, भूख लग रही है। और ये रहा भाई टमाटर जैसे डिज़ाइन में टमाटो सॉस। तो गाइस यार चलो अब घर के लिए निकल गए हैं पैदल पैदल, और ताऊ जी भी इधर ही आ रखे हैं अपनी दीदी के यहाँ, तो वो तो शाम को आएंगे कह रहे हैं। हमने कहा भाई पैदल पैदल निकलते हैं, वो कह रहे थे कि गाड़ी जा रही है कि नीचे, हमने कहा नहीं नहीं पैदल पैदल निकलते हैं, दो जने हैं साथ में फिर क्या डरना। और ये देखो भाई व्यू मतलब, और यहाँ पे गाइस हवा चलती है बहुत तगड़ी वाली इस इलाके पे, यहाँ हमेशा कहा कि हवा चलती चलती है, इस जगह का नाम है पखरू खाओ। और गाइस ये देखो अभी पीछे हवा की आवाज़ चल रही है, ऐसा लग रहा है पानी बह रहा होगा, सुनना हाँ। ये पूरी की पूरी हवा की आवाज़ आ रही है, इतनी खतरनाक भाई, धूप यहाँ का ऐसी यार हमेशा का ना, मतलब चाहे आप तू 24 घंटे आप तेरे को आवाज़ आने लगे। और ये सामने क्या कहते हैं अभी नया हॉस्पिटल बना है गाइस, वरना पहले यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो यहाँ पे भी सुविधा होगी कि कभी कभी रात को कुछ दिक्कत दिक्कत हो गई। अच्छा इधर ही तो ये रहा हॉस्पिटल, हाँ शायद ऊपर को तो कुछ होगा भी नहीं, क्या पता कोई डॉक्टर बैठता हो, बाकी ये हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये है यहाँ से अब जंगल, पूरा पूरा जंगल पड़ेगा बीच में, और हमको जाना है नीचे टॉ इधर, तो चलो चलते हैं। और ये जो गिर रखा है ये है पीरू, इसको पीरू बोलते हैं, मतलब इसमें ना पैर फिसल जाते हैं बहुत जल्दी, अगर इन पे ऐसे रड़ गए ना तुम ऊपर से नीचे को सीधा स्केटिंग खाते हो जाओ। इसको इनको दिखाना ये, और ये रहा देखो ये है लिस, इसको लिस बोलते हैं, बहुत काम आता है, जैसे कपड़ों पे लग गया ना आपके तो छूटेगा नहीं, मिट्टी तेल वगैरह से ही छूटेगा, बहुत सारी चीजें बनती है। तो अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो गाइस ये देखो ये होता है लिस, और इन्होंने ये ऐसे डिजाइन से काटा हुआ है कि ये सारा का सारा इसके अंदर निकलेगा, भर चुका है पूरा ये पूरा, देखो कुप्पी बना रखे इतनी कई सारी, हर जगह बना रखी होंगी बहुत सारी, और बहुत महंगा बिकता है। गांव में तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब बाहर जाता है ना बहुत महंगा बिकता है। नहीं नहीं गांव में भी है कीमत। तो गाइस अभी क्या कहते हैं हम गलत रास्ते चले गए थे, ऊपर वाले चले गए थे, दूसरे गाँव जाता है वो, तो अच्छा हुआ भैया मिल गए बीच रास्ते में, ठीक है हाँ जाता, लेकिन हमें रास्ता भी नहीं पता, आधे में से काम उड़ता है। वो कह रहे हैं आगे इतने सारे गुड़ी हैं, वो काले वाले जो बंदर से उनका मुंह खाला होता है लंगूर टाइप के, कह रहे हैं वो डंडा लेके आ रहे हैं। गाइस ये देखो भाई पेड़ ही पेड़ गिर रखे हैं, पता नहीं ये गिरे हैं या काटे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई कैसे गिरे पड़े देखना, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं यार, ये इन्होंने जड़ से उड़ा दिए, अब इनका कुछ बनाएंगे तभी, तो पहाड़ों में भी गर्मी स्टार्ट होगी ज़्यादा।
तो गाइस यार आधे से ज़्यादा रास्ता तो कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारे ऊपर के जो ऊपर वाला गांव है वो आ गया है पीपलकोट। तो यहाँ से बस मास्क लगेंगे 10 मिनट और जाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा गाड़ी इसका बुढ़मकोट है यहाँ पे वाला। हाँ तो एक्चुअली क्या ना, अगर गाड़ी से आते तो ज़्यादा लेट होती, नीचे आते वक्त इतना टाइम नहीं लगता, ऊपर चढ़ाई में टाइम लगता है, आते वक्त मुश्किल से आधे घंटे में आप पहुँच जाओगे। और देखो यहाँ पर भी कोई नया मकान बना रहा होगा अपना भाई। अब पहाड़ों में भाई बहुत मकान बनाने लग गए, जब से लॉकडाउन लगा ना गाइस तब से लोगों ने इतने मकान बनाने शुरू कर दिए ना दबा के। तो गाइस चलो यार आ ही गए हैं नीचे, आ गए बिल्कुल अभी, और ये बुबू जी भी आ रहे हैं भाई। तो गाइस ये देखो भाई, ये मैडी की कॉपी आ रहा बस काला है। सेरू हाथ मिला, हाथ मिला, सेरू हाथ मिला, बिस्किट खाएगा, बिस्कुट खाएगा, हाथ मिला सेरू। अबे देख ले बेइज्जती कर रहा है सेरू, हेलो करो, हाथ मिला, हाथ मिला। तो अभी पापा एक काम बता रहे गाइस, तो चलते हैं ऊपर छत पे। तो पापा इसको काट रहे हैं भाई, काले कलर का है जो, तो मैं भी मदद करता हूँ बाद में बनाऊंगा भाई व्लॉग, इतना काफ़ी है मन गाली पड़ेगी। तो ये था, इसको फोल्ड कर दिया है पूरा लगभग, हल्का सा रह रहा है बाकी ये। और आज भाई आखिरी दिन है गाँव में, तो ये लास्ट टाइम भाई व्यू देख लो, उसके बाद से तो वही दिल्ली की दोबारा से शुरू ज़िंदगी। थोड़ा घूम के भी आते हैं भाई, पार्क कह रहा हूँ, पार्क की याद आ रही है गांव में, ऊपर तक थोड़ा घूम के आते हैं। और ये देखो जो वो हुआ उस दिन, उसके बाद ये झंडा लगाया हनुमान जी का घर के ऊपर। और ये गाइस वो जहाँ पे हमने उस दिन गुड़ाई करी थी और बीज उगाए थे मम्मी और उन्हें, तो पेड़ आ गए भाई। ये देखो इतने प्यारे लग रहे हैं, मतलब मेहनत करके जो छोटे छोटे से पेड़ आ रखे हैं। देखो ये देखो वहाँ तक आगे भी, वो आगे तक बोर के वहाँ पे भी छोटे छोटे आने लग गए, तो इससे आगे तो जा नहीं सकता मैं, बड़ा अच्छा लग रहा देख के। और यहाँ पे जो है सोयाबीन, भुट्टे और मूली, तीन तीन चीज़ें उगा रखी हैं इतने छोटे से उसमें, लेकिन उग जाएगी जहाँ तक मेरे को लगता है। हैं और इधर ये मिर्च भी लगा रखी है, चार चार चीज़ें भाई इतने से छोटे से उसमें उगा रखी हैं, उग जाएंगे आराम से। तो गाइस चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं, और आज लास्ट ही है, लास्ट घूम के आ रहे थे, पूरा घूम के आ जाते हैं गाँव वाँव और रोड रोड तक, उसके बाद तो कल शाम की गाड़ी से दिल्ली को निकल जाना है और अगले दिन से दिल्ली की गर्मी को झेलना है। तो गाइस यार ऊपर पहुंच गए, रोड 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 घूमते हैं भाई, थोड़ा मज़ा लेते हैं ठंडी ठंडी हवाओं का, उसके बाद फिर तो गर्म हवाई खानी दिल्ली की। हाँ भाई अंकित, अब क्या हो गया भक्की रहा भाई, हेलो क्या हाल है? है? कल बोला था। क्या बोला था? वही क्या? मत जाना दिल्ली को, आप परसों जा रहे हो। कल जा रहा हूँ दिल्ली शाम को मैं। कल दिल्ली जा रहा हूँ शाम को। क्या मन नहीं लग रहा? नहीं जाऊँ? है तू दिल्ली चल मेरे साथ, तू चल दिल्ली मेरे साथ। ऐसा दोस्त गांव में जो बना है, ये बंदा भाई याद कर रहा था बड़ी देर से मेरे को, कह रहा कब आएंगे कब आएंगे, अब इसके साथ घूम रहा हूँ मैं। वो दोनों आगे लगे पड़े तो भाई ताऊ जी जो है भाई भड़क गए अंकित औरों पे, कह रहे सीधा कर कह रहे सीधा कर दूंगा। और क्या कहते हैं भाई, दिन से लाइट गई हुई थी, अभी आ रही है लाइट जस्ट भाई। भग क्यों रहा था फिर अभी? कौन भग रहा था? इधर से इधर शेर मर गया, वो कह रहे सीधा कर दूंगा बेटे, बुलाइए जरा कौन लम तण कैसे हो गए ताऊ जी भाई, बोल ताऊ जी बुलाइए जरा ताऊ, आज देख ही ले, क्या कह रहा है? कह रहा देख ही ले ताऊ जी में कितना दम है। अरे वो गुरु नहीं मिले बाबू, दिन भर दिन आजाद होते जा रहा, सुन ले वो बेटा, ताऊ जी कह रहे हैं एक थप्पड़ में सीधा कर दूंगा। बुला तो मैं कहता रहा हूं, बुला और क्या, आ रहे हैं भी रुक जा। क्या भाई बंदे की तबीयत खराब है, आते ही बाकी बोल रहे तूने लाइट का जल्दी पकड़, तीन बार उल्टी हो गई, उल्टा उल्टी हो गई। हां तीन बार, खुशखबरी है, खुशखबरी है, मैं बोल रहा हूं। तो गाइज यार फिर से लाइट चलेगी, देखो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, और क्या, मेरी भाई फ़ोन में इतना फ्लैश भी तगड़ा नहीं है कि मैं दिखा सकूं, बट ये देखो पूरी लाइट चलेगी गांव में, और सामने तो है इधर नहीं हमारे गांव में। और ये आज क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा थोड़ा नीचे लगा दिया है, तब जाके हल्की फुल्की लाइट आ रही है मम्मी के पास, मम्मी यहाँ पे लहसुन लहसुन छील रही थी, तो भाई पूरी लाइट चलेगी, बार बार जा रही है। जाओ चाय बनाओ बटन, ऐसी बनाओ भाई यार। चलो अपना रात का डिनर आ गया, ये मस्त इन्होंने बना के भाई, बैंगन आलू की सब्जी और ये गांव का रायता।
तो गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।